नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी ईएलडी चैनल में। जैसा कि मैंने कल आपको वीएलडीसी सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी शॉर्ट वीडियो में, चलो दोस्तों मैं आपको उसकी छोटी छोटी सी जानकारी बता देता हूं दोस्तों, फिर हम आपको फिट करके दिखाएंगे किस तरह ये वर्क करता है दोस्तों। चलो, जैसे कि मैंने आपको कल खोल कर दिखाई दिया था, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, अब मैं इसकी आपको छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। एक इसके साथ ये हमारा रिमोट आया हुआ है दोस्तों, इसमें क्या है, ये टाइमर है दोस्तों, ये टाइमर हमारा ऑफ करने के लिए है दोस्तों। इसमें हमारी 6 स्पीड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टार्ट के लिए है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ऑफ़ करने के लिए दोस्तों, में जैसे सीलिंग फैन को ऑफ़ करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टाइमर दिया गया है, इसके अंदर 2 घंटे का हमें टाइमर लगाना है। जैसे क्या पंखा चल रहा है, सीलिंग फैन हमारा, उसके 2 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा दोस्तों। ये टाइमर हमारा 4 घंटे का है दोस्तों, जैसे हमारा सीलिंग फैन चल रहा है और हम इसे बंद करना चाहते हैं 4 घंटे के बाद, तो ये ऑटोमेटिक हमारा 4 घंटे के बाद बंद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें एक 8 घंटे का भी टाइमर दिया गया है, जैसे हमारा 8 घंटे रेगुलर चलने के बाद ये अपना ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। जैसे कई बार हमें क्या है, सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा मौसम महसूस होता है तो हम बंद करना चाहते हैं, तो 8 घंटे का टाइमर लगा के और सो जाएंगे दोस्तों, जिससे क्या है हमारा 8 घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो थी रिमोट की जानकारी। उसके बाद ये हमारा वीएलडीसी सीलिंग फैन आ गया, ये हमारी आ गई इसकी रिंग, देखा होगा दोस्तों आपने, उसमें लोहे की रिंग होती है। इसमें क्या करा है कंपनी वालों ने, परमानेंट मैग्नेट दे दिया दोस्तों। परमानेंट मैग्नेट देखो दोस्तों किस तरह दिया है, मैं आपको पेचकस दिखाता हूँ, ये पेचकस है और ये देखो हमारा इसके पास लेके जाते हैं, जैसे ये देखो चिपक रहा है, ये चिपक गया, यानी कि हमारे पास परमानेंट मैग्नेट दे दिया है दोस्तों। कैप होल में दिया है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 और 3 4 1 7 7 पोल में दिया है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे परमानेंट मैग्नेट हो गए दोस्तों, जो कि उस रिंग को निकाल के हम इस रिंग को लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने पुराने सीलिंग फैन को कन्वर्ट करने के लिए मंगाया दोस्तों, ये बीएलडीसी में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। पुराना हमारा था जो वो 70 वाट का था दोस्तों, और ये हमारा केवल आ जाएगा दोस्तों अब 28 से 30 वाट में, ठीक है दोस्तों। ये इसके अंदर एक मोटर निकली है जो हमने मंगाया था, और एक ये इसके अंदर कंट्रोलर है जो इसे कंट्रोल करेगा दोस्तों। उसमें आपने वाइंडिंग देखी थी दोस्तों, हमारी रनिंग और स्टार्टिंग होती थी, बट दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग है, दिख रही है दोस्तों आपको, केवल एक ही वाइंडिंग है, और जो इसमें वायर निकाले गए हैं वो 3 वायर निकालने हैं दोस्तों, RYV, ठीक है दोस्तों। ये क्या हमारा एक कंट्रोलर लगा दिया गया है ऊपर, ये इससे क्या है हमारा सिंपल सीलिंग फैन को स्मार्ट सीलिंग फैन बना देगा। ये दोस्तों हमारा 220 वोल्टेज लेगा, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा डीसी में कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। इधर से हम इधर से सप्लाई देंगे दोस्तों, और ये हमारा सीलिंग फैन चालू हो जाएगा। इसे फिट करना भी काफ़ी आसान है, देखा दोस्तों, जैसे कि हम सिंपल सीलिंग फैन को जैसे फिट करते हैं, सेम इसे उसी तरीके से फिट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये हमारे सिंपल सीलिंग फैन को स्मार्ट सीलिंग फैन बना देगा दोस्तों। ये इसका कंट्रोलर है जैसे कि मैंने आपको बताया है, अब हम इसे फिट करेंगे, फिट करके आपको दिखाएंगे किस तरह वर्क करता है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो इसके अंदर की जो सॉफ्ट है वो काफ़ी सेम 1 नंबर और 2 नंबर के दोस्तों इसमें वायरिंग है, मतलब वही सेम उसी तरीके का सीलिंग फैन हमारा, बस क्या है ये वाइंडिंग थोड़ी अलग कर दिया है इन्होंने, इसमें सिंपल एक ही वाइंडिंग दे दी है दोस्तों, उसमें हमारी 2 होती थी, रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी परमानेंट मैग्नेट जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, रूटर की जगह हम लगा देंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह फिट करते हैं, ठीक है दोस्तों, फिट करने की पूरी बताऊंगा तरीका आपको किस तरीके से फिट करते हैं, जैसे रिंग कहीं छोटा बड़ा हो कैसे सेट आएगा, किस तरीके से सेट करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है, बस समझ जाते हैं दोस्तों, साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल 2 वायर यहाँ लगाने हैं अपने सप्लाई के, जो हमारे 220 वोल्टेज होते हैं दोस्तों, 220, ठीक है दोस्तों बस, और उसके बाद हम इसे चालू कर देंगे। कैसी लगी,